लेकिन मार्केट की स्थिति बुरी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप देखें जैसे जैसे ट्रंप के आंकड़े आप बढ़ते जा रहे हैं और 150 के आंकड़े से अब 168 का आंकड़ा आ चुका है, बाजार उसी तरह से ही रिएक्शन दे रहा है। अभी तो प्रीटिक है, प्रीटिक से ही क्लियर हो रहा है, प्री मार्केट टिक से, कि अब ऑलमोस्ट हम पूरी तरह से 5% की गिरावट के लिए तैयार हो रहे हैं। और ओहियो में तो भले डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वर्जीनिया में शायद हिलेरी क्लिंटन जीत गए। वर्जीनिया कितनी इंपॉर्टेंट स्टेट होगी? बिल्कुल, ये वर्जीनिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओहायो जो है वो स्विंग स्टेट है। ओहायो, कैलिफोर्निया, ये ऐसे स्टेट्स हैं कि जिसका इलेक्टोरेट एक्चुअली डिसाइड करता है, क्योंकि अब वहाँ पर जो कैंडिडेट्स आगे निकलते हैं उनके लिए बाकी जगह पर कोई अपसेट होना थोड़ा मुश्किल होता है। यही बड़ी वजह है कि रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है उसके बाद। जैसे भारत में यूपी है, आप यूपी में कोई चुनाव भी होता है तो उसे मिनी लोकसभा इलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वेटेज ही इतनी ज्यादा है कि वहां पर किसी पार्टी का अच्छा करना बहुत जरूरी है, नेशनल लेवल पे भी अच्छा करने के लिए। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, क्या निफ्टी पर 8000 का लेवल टेस्ट होगा? आज का सबसे बड़ा सवाल जो इस समय हम उठा रहे हैं, 8000 का लेवल निफ्टी पर टेस्ट होगा क्या? 5.5% नीचे निफ्टी 8080 पर इस समय, और सेंसेक्स 5% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। थोड़ा सा स्केरी आंकड़ा है, क्योंकि 1300 अंकों की गिरावट सेंसेक्स पर, 1340 पॉइंट्स की गिरावट, ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी गिरावट के साथ खुलने के आशंका बाजार की। 1340 पॉइंट नीचे सेंसेक्स इस समय ट्रेड करते हुए, और 6% नीचे निफ्टी 8070 का लेवल। क्विकली एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपडेट ले लेते हैं, असीम हमारे साथ हैं, एंड देन वी गो ऑन मार्केट्स। असीम, सबसे बड़ी गिरावट, सरकार का जो कदम है वो, और ट्रंप के आगे निकलना, ये दोनों सबसे बड़ी मुश्किल इस समय पैदा कर रहे हैं मार्केट्स के लिए। देखिए, दोनों नेगेटिव खबर आई है मार्केट के लिए। पहला कि जो ट्रंप जो लीड बनाए हुए हैं उसके ऊपर, और खासतौर पर अगर ट्रंप जो है अगर जीतते हैं तो उसके इम्पैक्ट जो है हमें साफ तौर दिख रहा है। डॉ जॉन्स है वो भी डाउन है, और खासतौर पर सेंसेक्स जिस तरह से ओपन हुआ है तो वो भी डाउन है। खासतौर पर रियल स्टेट सेक्टर्स के ऊपर, रियल स्टेट स्टॉक्स है उसके ऊपर खासा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, अभी ऑफिशियल्स आना शुरू हो जाएंगे, वर्जन जो है उनके मिलने में शुरू हो जाएंगे कि उनका क्या कहना है। लेकिन खासतौर पर जिस तरह से एकदम से ही अचानक बंद किया है हाई करेंसी नोट, 1000 और 500 के नोट जो सरकार ने बंद किया, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम असेसमेंट करके चल रहे थे कि मार्केट के ऊपर पड़ेगा, वो देखने को हमें जो मिल रहा है। असीम, आप बने रहे, लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, आज कोई इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है इस बड़े फैसले के बाद? देखिए, कल देर रात तक वित्त मंत्रालय के अधिकारी जो है इस पर काम करते रहे थे, और बैठकों का दौर कल देर रात तक जो है वो जारी रहा था। हम भी यहाँ पे करीब 11:30 के आसपास थे, तो उसके बाद अब खासतौर पर असेसमेंट सरकार जो है वो कर रही होगी कि इसका मार्केट्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। उसको देखते हुए सरकार हो सकता है कि इमरजेंसी बैठक जो है वो बुलाए, और LIC को भी शायद इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दिए होंगे कि इंटरव्यून आप जो है मार्केट में करिए। तो इस तरह के जो रूटीन डिसीजन है वो सरकार जो है वो ले सकते हैं मार्केट में इंटरव्यून करने के लिए, और बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से इसको बाजार के अंदर जिस तरह की गिरावट अभी तक के आंकड़े हो, किस तरह से होगा मार्केट के अंदर जिस तरह गिरावट के अभी तक आंकड़े दिख रहे हैं, उम्मीद करके चले कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या फिर खुद वित्त मंत्री आगे निकल के आएंगे, बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव कह सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपके पास एक सेकंड आता हूँ। इस बीच हमारे साथ SIT चेयरमैन MB शाह भी जुड़े, उनसे जल्दी से बात कर लेते हैं, बिकॉज मार्केट्स आर अबाउट ओपन। मिस्टर शाह, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये जो कदम, मेरा सर सीधा सवाल है आपसे, ब्लैक मनी पर सरकार ने जो कदम उठाया है क्या वो सेल्फ डिफीटिंग है? क्योंकि एक तरफ 500,000 के नोट बंद किए गए, दूसरी तरफ दो ही दिन में 500 और 2000 के नए नोट लाए जाएंगे, तो अर्थ क्या हुआ इसका? Meaning would be this, first the persons will be required to disclose their unaccounted money. They have to deposit in the bank. And thereafter, these other notes will be issued. So, entire thing would be required to be disclosed. All unaccounted money would be required to be disclosed. That is one of the most main achievement of this decision. But sir, that's one part of it, jo black money ko curb karna hai. खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिलीज में भी ये कहा है दैट दिस वाज आल्सो प्रमोटिंग करप्शन एंड दिस वाज प्रमोटिंग द टेरर फंडिंग, इट वाज मेकिंग इट इजी फॉर टेररिस्ट टू फंड देयर एक्टिविटीज। नाउ टेल मी वन थिंग, कि जब आप फिर से हाई डिनोमिनेशन, इनफैक्ट हायर डिनोमिनेशन की करेंसी ला रहे हैं 2000 रुपये की, तो वो इससे कैसे कंट्रोल होगा? बिकॉज एंड ऑफ द डे आप चाहे कितनी भी सिक्योर करेंसी लेकर आए, दे कैन ऑलवेज बी चैलेंज द सिक्योरिटी। No, that can be done, but at the same time, the number of other steps will be taken. Probably what steps the government has decided, I do not know.
But at the same time, number of other steps will be taken. It will be difficult. It will be difficult for any person to withdraw the amount, large amount without being noticed by the RBI. Mr. Shah, अभी तक जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं आपको लगता है कि ये क्योंकि एग्जीक्यूशन फ्रंट पे कई बार हो सकता है काफी दिक्कतें आती हैं क्योंकि आप इंडस्ट्री के और मिनिस्ट्री में भी रहे हैं तो मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ एग्जीक्यूशन फ्रंट पे अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रिपेयर है अभी तो देखो एग्जीक्यूटिव तरफ से भी गवर्नमेंट फुल प्रिपेयर होगी नहीं होगी पर दीज आर डिसीजंस आर टेकन सो दैट इफ इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली इट वुड गिव वेरी गुड रिजल्ट्स सर क्विकली लास्ट क्वेश्चन टू यू क्या सरकार का ये फैसला चैलेंज किया जा सकता है क्या Can you say that a person who is doing wrong can go before the court? A wrongdoer cannot go before the court. बिल्कुल चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस इस बीच क्रूड इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 4% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए तो आज दलाल स्ट्रीट के लिए काउंटर्स को आप देखें और हलाल स्ट्रीट है जिस तरह का नुकसान अगर आपको 5% नीचे मिले तो आप शेयर्स की हालत तो समझ सकते हैं कि करीब 10% के वो शेयर टूट रहे हैं जो कि इंडेक्स के कंपोनेंट है जिनके पास इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी होता है रिटेल बाइंग भी है और ऐसी बाइंग भी है जो कि पोर्टफोलियो में रखी जाती है संभाल के वो शेयर्स भी लगातार तेज गिरावट के साथ आप निफ्टी बैंक को देखिए एंड राकेश आप इस पर अपना व्यू शायद देना चाहेंगे निफ्टी बैंक इस समय 6.5% नीचे है यानी 1230 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी बैंक पर हाईएस्ट फॉल जो है वो आईसीआईसीआई बैंक पर 10% नीचे आईसीआईसीआई बैंक कैनरा बैंक 10% नीचे फेडरल बैंक 9.5% पंजाब नेशनल बैंक 8.5% बैंक ऑफ बड़ौदा यस बैंक एसबीआई 7% नीचे 235 पर मेरे एक नेगेटिव माहौल में मार्केट के अंदर एक क्रैक देखने को मिल रहा है और एक तो ग्लोबल वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट में क्रैक है दूसरा ब्लैक मनी कर्व की वजह से मार्केट में एक नर्वसनेस है बट मुझे लगता है कि अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है जैसे काफी लोग मैसेज कर रहे हैं सर्किट के अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए निचले स्तरों पर हालांकि कुछ एक बैंड्स अभी ये भी आ रहे हैं हालांकि 6% की मार्केट के अंदर गिरावट है लेकिन डीलर्स कह रहे हैं शायद लोअर सर्किट मार्केट पर नहीं लगेगा अविनाश आप अगर हमारे साथ हैं तो हम इससे यही जानना चाहता हूं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं आज मार्केट के अंदर लोअर सर्किट लगेगा या फिर पुल बैक आ जाएगा यहां से नहीं मुझे लग रहा है कि ये कहना मुश्किल है डिम्पी की लोअर सर्किट लगेगा कि नहीं बट मुझे लग रहा है कि अगर 8000 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली और पैनिक बढ़ेगी क्योंकि ये एक क्रूशल लेवल है जो ब्रेक्सिट के टाइम पे हमने 8050 देखा था तो क्लियरली पॉसिबिलिटी तो ज़रूर है और जिस प्रकार का इलेक्शन का पूरा इम्पैक्ट रिजल्ट्स के बाद आएगा मुझे लग रहा है और एक नीजर्क रिएक्शन डेफिनेटली आना चाहिए ये रिजल्ट्स के पहले का रिएक्शन है नतीजे फाइनली आने के बाद और भी गिरावट डेफिनेटली आ सकती है बिल्कुल इस बीच इस साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुलेगा यहां पर यह तय है और जो आंकड़े हैं वो कुछ हद तक डरावने हैं मैं एक बार आपको मिडकैप के आंकड़े बता देता हूं 950 से ज्यादा अंकों की गिरावट मिडकैप इंडेक्स पर यानी 6.25% नीचे मिडकैप इंडेक्स खुलने की आशंका और सबसे ज्यादा नुकसान जुबिलेंट लाइफ साइंसेज सन फार्मा एडवांस्ड सुजलॉन वोकहार्ट दीवान हाउसिंग फाइनेंस भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलायंस इंफ्रा इन सब पर हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है इसे आप सिर्फ ट्रंप इफेक्ट नहीं कह सकते सरकार ने जो कदम उठाया ब्लैक मनी पर उसे मार्केट ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है यहां पर ये क्लियर यहां पर इंडिकेशन क्योंकि होता भी ट्रंप का इंपैक्ट तो मिहिर सिर्फ बिल्कुल फार्मा तक ही ज्यादा लिमिटेड हो जाता है शायद ज्यादा सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करते यही बड़ी वजह है कि अगर आईटी फार्मा में 5-5% की गिरावट है तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेज गिरावट क्यों है हालांकि एक्सपेक्टेशन था कि सरकार की अपनी योजना भी है कि बैंकिंग को और मजबूत किया जाए ब्लैक मनी को सिस्टम से हटाया जाए लेकिन बैंक स्टॉक्स भी टूट रहे हैं इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल जो पहले बाय की अब सेल किया वो अभी भी तेज गिरावट के साथ मार्केट के अंदर अब इस सेल के ही सौदे बना रहे हैं